आज जो आपको मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस चैप्टर का सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोलो, चाहे इस एक्सरसाइज का 2.3 यही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इसको अलग से करवाना चाहता हूँ, ध्यान देना। और अपनी कॉपी किताब बिल्कुल बंद कर दो, सारा फोकस अपना बुक इस पर रखो, व्हाइट बोर्ड पर एक एक बात जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ समझना है। और जो बच्चा YouTube पर भी देखेगा, बिल्कुल कोई डाउट हो मन में, कोई बात हो, कोई कमेंट कर सकता है, डाउट पूछ सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मैं बार बार कहना चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन समझना क्या है, एफ एक्स दे रखा है माइनस मॉडुलस एक्स। क्वेश्चन को फील करो, क्वेश्चन कह क्या रहा है। एफ एक्स क्या दे रखा है बेटा, एफ एक्स दे रखा है माइनस मॉडुलस एक्स। चेक करते हैं, देखिए डोमेन क्या होता है, जो वैल्यू मैं पुट करता हूँ इट इज कॉल्ड डोमेन, और जो आंसर सामने यहाँ निकल के आता है इट इज कॉल्ड रेंज, तो उसे रेंज कहते हैं। जैसे अगर आपने 1 रखा सपोज, तो माइनस 1 मॉडुलस 1, तो आंसर क्या करना, माइनस 1 ही आना है। आपने 1.25 रख दिया, 1.25 मॉडुलस क्या आएगा, माइनस 1.25, क्योंकि देखो ये तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव है, और बाहर का नेगेटिव, तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। 2 रखोगे तब भी क्या आएगा बेटा, माइनस 2। आपने माइनस 1 रखा बेटा, तो क्या आएगा, माइनस मॉडुलस माइनस 1। चेक करो, आपको मैंने बताया था बेटा मॉडुलस क्या करता है, जो नेगेटिव वाली वैल्यू होती है उसे ही पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव वाले को ही पॉजिटिव रहने देता है। तो यहाँ माइनस 1 मॉडुलस है, तो ये तो 1 बन जाएगा, और बाहर क्या है नेगेटिव, तो माइनस 1 आएगा। चेक करो, माइनस 2 माइनस मॉडुलस माइनस 2, देखो ये वाला माइनस तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ध्यान समझना। और मॉडुलस माइनस 2, माइनस 2 क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा, 2 कर देगा, कोई डाउट वन में, माइनस 2 आएगा। माइनस 1.25 चेक कर लेते हैं, तो माइनस 1.25 ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर नेगेटिव है, तो माइनस 1.25। अब एक बात फील करो, आपने देखा बेटा हर बार आंसर नेगेटिव में आ रहा है, हाँ जी कि ना जी, यस। और अगर आप जीरो रखते हो तो भी जीरो ही आएगा, ठीक है। आपने क्या कहा कि सर मैं कोई सी भी वैल्यू रख दूं, आपने क्या बोला कि सर मैं कोई सी भी वैल्यू रख दूं, तो आंसर किस फॉर्म में आएगा, नेगेटिव। रीजन, क्योंकि बाहर फंक्शन में क्या है, माइनस लगा हुआ है। तो अगर आप टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं, इसको मैं रिप्रेजेंट करना सिखाता हूं आपको, ये एक्स और ये एफ एक्स, समझते हैं, जीरो पे रखा जीरो आया, एक रखा तो बेटा माइनस 1 आया, 1.5 रखोगे तो क्या आएगा, माइनस 1.5 आएगा, 2 रखा तो अपने बेटा माइनस 2 आया, देर चलते जाओगे। आप अगर पॉजिटिव की वैल्यू पुट करते हो तो भी आंसर नेगेटिव में आ रहा है, चेक करो। और अगर आप नेगेटिव की वैल्यू पुट करते हो लाइक माइनस 1, तो भी माइनस 1, माइनस 1.25 तो माइनस 1.25, माइनस 2 तो माइनस 2। अगर आप नेगेटिव की वैल्यू पुट करो तब भी आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा, चेक करना बेटा। डोमेन क्या होता है, दोबारा समझो, डोमेन जो वैल्यू में पुट कर रहा हूँ इट इज कॉल्ड डोमेन, 1 माइनस 1.25 2 माइनस 1, तो ऑल रियल नंबर्स। मैं देखो, मैं पॉजिटिव की भी कोई वैल्यू पुट कर सकता हूँ, नेगेटिव की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, चाहे वो पॉइंट वाली हो, बिना पॉइंट की हो, इंटीजर्स, नेचुरल, होल, कुछ भी रियल नंबर। तो एवरी रियल नंबर, ऑल रियल नंबर हम पुट कर देंगे तो डोमेन आ जाएगा, डोमेन है वो हमारा। और जो रेंज, हम कोई भी नंबर पुट करते हैं तो रेंज क्या बेटा, जो आंसर आपका आता है, आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, आंसर बेटा देखो जीरो, जीरो आया और जीरो छोटा आया, चेक कर लो, आंसर जीरो भी है और जीरो छोटा भी, देखो जीरो छोटे सारे हैं, जीरो छोटे ये भी हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। अब जो रेंज क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और जीरो से छोटा भी हो सकता है, तो जीरो से लेके कहाँ तक जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी तक, इसको बोलेंगे हम क्लोज्ड इंटरवल। क्यों क्लोज है बेटा, क्योंकि आपका आंसर जीरो भी हो सकता है और जीरो से छोटा भी हो सकता है, और ये ओपन इंटरवल, ओपन मतलब माइनस एंट्री तक, जीरो से लेकर माइनस एंट्री तक की हम बात कर रहे हैं। तो किसी को कोई डाउट मन में, फटाफट से कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड पार्ट क्या लिखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर।
देखो रूट के अंदर बेटा क्या है, 9 - x². अब हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं चेक करना। अगर आपने 0 रख दिया तो 0 - 9 - 0 का स्क्वायर तो रूट 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अगर आप 0 रखते हो तो आंसर कितना आता है, 3। अगर आपने बेटा 1 रखा तो 9 - 1 का स्क्वायर 1 तो रूट 8, और रूट 8 का मतलब क्या होता है, समथिंग 2 point something जो भी आएगा, 1 रखते ही वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 8 आ रहा है। और अगर आप 2 रखोगे तो 9 - 2 का स्क्वायर 4, रूट 9 में से 4 गया 5, 2 point something आ जाएगा। यहाँ पे 2.94 something, यहाँ पे भी कितना है बेटा, रूट 5 का मतलब 2.25 जो भी आ सकता है, एग्जैक्ट मैं आपको बता नहीं पा रहा, रूट 5। अगर आपने 3 रख दिया, चेक कर लो 9 - 9 तो कितना आ जाएगा, 0। बात समझना क्वेश्चन गहराई, क्या आ गया बेटा, 0। अगर आप कहते हो कि सर -4 रखो, ठीक है -4 मतलब कभी 4 रखो, अभी पॉजिटिव की बात करो बेटा, तो 9 - समझना क्वेश्चन गहराई, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, x के जब 4 - 4 = 16, √7। अब एक बात बताओ, क्लास 10th में आप भी पढ़ते थे, क्या सीखा था, क्या रूट के अंदर माइनस हो के भी सॉल्व होता है, नॉट अ रियल नंबर, सॉल्व हो ही नहीं सकता, नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ये, क्योंकि रूट के अंदर क्या आ गया है, माइनस आ गया है। कहने मतलब क्या है, मैं 4, 5, 6 कुछ भी पुट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं 3 से ऊपर जा रहा हूँ, 3 से ऊपर जा रहा हूँ, 3.1, 3.2, 4, 5, 6 कुछ भी, तो आंसर कैसा आ रहा है, रूट में आ रहा है, और ये कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता है, इट इज़ नॉट अ रियल पार्ट, इट इज़ अ इमेजिनरी पार्ट। अभी हम चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे ये पूरा कॉन्सेप्ट, किस तरह इसको हम आयोटा की फॉर्म बनाकर सॉल्व करते हैं, तो चैप्टर नंबर 5 में हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी नहीं करेंगे तो अभी हम बात करते हैं। आपने क्या बोला कि सर मैं 0 से लेकर 3 तक ही पुट कर पा रहा हूँ, 0 से लेकर 3 तक ही पुट कर पा रहा हूँ, 3 से ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ, तो तुमने इतना तो बेटा फील कर लिया। अब एक बात बताओ, क्या 0 से छोटा भी फील पॉइंट पुट कर सकते हैं क्या, चेक करते हैं, -1, 9 - -1 का स्क्वायर तो 9 - -1 का स्क्वायर 1, √8। वही बात आ रही है, अगर आपने -1 रखा तब भी √8 आ रहा है, ऐसे अगर -2 रखोगे तो √5, -3 रख दोगे तो 0, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, -3 रखते भी क्या आ जाएगा, 9 - -3 का स्क्वायर 9, 0। तो आपने एक चीज़ नोटिस कर लिया, और इसके आगे मैं नहीं जा सकता, -4 पुट किया सपोज, तो 9 - -4 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 16। ये तो वही बात आ गई जो अभी आ रही थी, तो ये भी पुट नहीं कर सकते, नॉट अ रियल। अब आपको क्या बताऊंगा मैं आपको, कि आप 0 से लेकर 3 तक पुट कर सकते हो, और 0 से लेकर -3 तक पुट कर सकते हो बस। तो x की जो वैल्यू होगी, जो डोमेन होगा, क्या पुट कर सकते हो, <3 और <3। हम -3 से बड़ी कोई भी संख्या ले लेंगे, -3 से ऊपर, -2.25, 2.3, 2, -1, -0.5 कुछ भी, 0 और 3 तक जा सकते हैं, और 3 से छोटा ले सकते हैं। और रेंज क्या आ रहा है बेटा, फील करो आंसर क्या निकल के आ रहा है, आंसर 0 भी आ रहा है और 3 तक जा रहा है आंसर, चेक कर लो, यहाँ भी देखो 0 से लेके आंसर 3 तक, तो जो x की वैल्यू होगी या तो 0 होगी, 0 से बड़ी होगी, और 3 होगी या 3 से छोटी होगी, ये आंसर आपका फाइनल आंसर आया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई ट्रिक नहीं, कोई सॉल्यूशन इस तरीके का नहीं, रट्टा मारना है आपको, बस फील करना है, गहराई समझनी है, और क्या गहराई समझनी है, आपको वैल्यू पुट करके फील करना है कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। इससे आसान तरीका नहीं मिलने वाला, बहुत ईजी वे है, बहुत अच्छा तरीका है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, तो फटाफट से कॉपी करो। क्वेश्चन 5th पे ध्यान देना, क्या लिखा है, फाइंड द रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इस बार आपको केवल रेंज फाइंड करने के लिए कह रहा है, डोमेन फाइंड नहीं कह रहा है। तो फाइंड द रेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, और fx क्या गिवन है बेटा आपके पास, पहला पार्ट है 2 - 3x कॉमा x बिलोंग्स टू r और x मोर देन 0,
एक्स रियल नंबर से बिलोंग करता है और जीरो से बड़ा होना चाहिए। चलिए समझते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर। देखो एक्स जो है बेटा जीरो से बड़ा है, कुछ भी पुट करके देखो, वन बाय टू, टू मल्टीप्लाई थ्री इंटू वन बाय टू कितना आ जाएगा, टू माइनस थ्री बाय टू, टू माइनस वन पॉइंट फाइव, जीरो पॉइंट फाइव आ सकता है। जीरो से बड़ा, हाँ भाई जीरो से बड़ा, जीरो पॉइंट वन रख के देखो एक बार, टू माइनस थ्री इंटू जीरो पॉइंट वन, टू माइनस थ्री पॉइंट वन, जीरो पॉइंट थ्री, तो कितना जगह वन पॉइंट सेवन जीरो। कोई डाउट? देखो आप जीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो, वन पुट कर दिया, टू माइनस थ्री इंटू वन, टू माइनस थ्री माइनस वन, चेक कर लो, फोर पुट करके देखो डायरेक्ट, टू माइनस थ्री इंटू फोर, टू माइनस ट्वेल्व माइनस टेन। एक बात नोटिस करना, फाइव करोगे तो थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन, माइनस टू माइनस थर्टीन। अब रुको, काफ़ी सारे एग्जांपल हम ले चुके हैं। मैंने जीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट कर दी, जीरो से बड़ी कोई वैल्यू पुट करी तो आंसर कैसा आ रहा है? आंसर देखो दो से छोटा ही आ रहा है, ये भी टू से छोटा है, ये भी टू से छोटा है, ये भी टू से, सारे नंबर टू से छोटे आ रहे हैं, फील करना। अब आप कहोगे कि सर टू ही कैसा पता चला मुझे? एक बात बताओ, मैं जीरो से बड़ा पुट कर रहा हूँ, जीरो तो पुट कर नहीं सकता, लेकिन अगर आप जीरो भी रख देते हैं, सपोज टू माइनस थ्री इंटू जीरो, तब जाके आपका आंसर टू आएगा। अगर आप जीरो पुट कर दोगे तो आपका आंसर टू आएगा, लेकिन आपको जीरो पुट करना ही नहीं है, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा जीरो पॉइंट वन, जीरो पॉइंट नाइन नाइन नाइन, जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन, कुछ भी, तो आपका जो आंसर होना वो क्या होने वाला है, दो से छोटा ही होने वाला है, दो से। आप खुद फील करो ना, जीरो से बड़ा कुछ भी रखते हो, जीरो पॉइंट वन, एक और रख के देख लो, जीरो पॉइंट वन के, जीरो पॉइंट जीरो 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 वन, लो आपकी तसल्ली के लिए, टू माइनस बेटा अभी कितना का, वन पॉइंट जीरो नाइन नाइन सेवन, समझना क्वेश्चन, अभी भी आंसर टू से छोटा ही आ रहा है। तो जीरो तो पुट कर ही नहीं सकता, ये तो मैं पुट बता ही रहा हूँ आपको, बात समझना, जीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू रखने पे मेरा आंसर क्या आ रहा है, दो से छोटा ही आ रहा है, दो से छोटा, ये भी दो से छोटा है, टू से छोटा, टू से छोटा है, तो उसकी जो रेंज हो जाएगी क्या होने वाली है, दो, और दो से छोटी, दो से छोटी होगी, सॉरी दो तो होगी ही नहीं, क्योंकि दो क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैं जीरो पुट करना ही नहीं है, दो आ कब रहा है, जीरो वाले केस में आ रहा है, और जीरो पुट मुझे नहीं करना है। किसी को भी डाउट हो मन में, कोई बात हो तो बता सकता है, कमेंट कर सकता है, जो यहाँ बैठा है वो भी। तो मैं बेटा जीरो तो पुट करूंगा नहीं, जीरो से बड़े कोई भी नंबर रखने पर आंसर कैसा आएगा, दो से छोटा, कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये जो आपको ओपन इंटरवल बनेगा इस तरह। किसी को डाउट मन में, कोई समस्या? तो इस क्वेश्चन में केवल मुझे क्या जानना था, फाइंड द रेंज, और रेंज क्या है, ओपन इंटरवल माइनस इनफिनिटी से लेके टू तक। तो फटाफट से कॉपी करो, सेकंड पार्ट पे ध्यान दो। एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स इज अ रियल नंबर, एक्स कैसा नंबर है, एक रियल नंबर है बेटा। एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस टू, यहां पर कुछ भी नहीं दे रखा, बस एक रियल नंबर गिवन है। चलिए फील करते हैं, आपने अगर जीरो पुट कर दिया, पहले मैं जीरो से शुरुआत करता हूँ, जीरो पुट किया तो क्या आएगा आपका आंसर, टू। कोई डाउट मन में? आपने कहा कि सर एक पुट करके देखो, वन प्लस टू थ्री, रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, रियल नंबर होता क्या है, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, रैशनल भी इरैशनल भी, इट इज कॉल्ड रियल नंबर। जितने भी पॉइंट वाले हो, बिना पॉइंट वाले हो, जितने भी ऑल नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव, सारे नंबर्स आर रियल नंबर्स होते हैं, तो ये बात ध्यान होनी चाहिए बच्चों को। अब आपने पुट किया सपोज वन पॉइंट वन बाय टू, तो वन बाय फोर प्लस टू कितना चाहिए, टू पॉइंट टू फाइव, चेक करो। अगर आपने कहा थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस टू इलेवन, आप एक बात नोटिस करना, अगर मैं जीरो से बड़ी संख्या पुट कर रहा हूँ, जीरो से बड़ी, यहाँ चेक करो, जीरो से बड़ी कोई भी संख्या रख रहा हूँ
तो आपका आंसर कैसा आ रहा है? टू से बड़ा आ रहा है, टू, टू पॉइंट टू फाइव, थ्री, इलेवन, फोर्टीन, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। अगर आपने जीरो से बड़ी संख्या पुट करी तो आपका आंसर टू से बड़ा आ रहा है। और अगर आप नेगेटिव भी पुट करके देखते हो, माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू, थ्री, क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर वन आ जाएगा, माइनस टू पुट करोगे तो माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू, फोर प्लस टू सिक्स, अभी भी आंसर आपका कैसा आ रहा है? माइनस जीरो छोटा कुछ भी ले लो, माइनस वन पॉइंट टू ले लो, तो वन बाय फोर प्लस टू बाई टू पॉइंट टू फाइव। अगर आप जीरो से ऊपर जाते हो पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव तरफ जाते हो, जीरो से छोटा कोई भी संख्या लेते हो, आपका जो आंसर आएगा बड़ा टू आएगा, चाहे टू से बड़ा होगा। Therefore, जो रेंज आने वाली है वो क्या आने वाली है? टू होगी, टू भी हो सकती है और टू से बड़ी भी हो सकती है। टू भी होगी, टू से बड़ी, कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिट, इनफाइनाइट तक। ये क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल। तो किसी भी बालक को, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, मन में कोई शंका, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है। दोबारा फील करो क्वेश्चन को। आप जीरो से बड़ी कोई भी संख्या रखते हो, चाहे जीरो से छोटी कोई भी संख्या रखते हो, तो आपका आंसर किस फॉर्म में आता है? आपका आंसर जो आ रहा है टू आ रहा है या टू से बड़ा आ रहा है, कुछ समझना बात क्वेश्चन को। टू आ रहा है या टू से बड़ा? टू से बड़ा, टू से बड़ा, टू से बड़ा। और जीरो से छोटा कुछ ही पुट करके देखते हो तब भी टू से बड़ा है, टू है, टू से बड़ा है, तो कोई डाउट मन में? Therefore आंसर क्या आएगा? टू से लेके इनफाइनाइट। इसे कॉपी करो। देखिए तीसरा पार्ट इसका बहुत ज्यादा इजी है। क्या कहता है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और एक्स इज अ रियल नंबर। ये पार्ट बहुत इजी है, इसे आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन फील करना कहना क्या चाह रहा है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब एक बात बताओ, अगर आप एक्स से कोई भी रियल नंबर पुट कर दो तो वही आंसर आएगा? हाँ जी कि ना जी? यस। जो भी नंबर पुट कर दोगे, 0.233322 तो वही आ जाएगा, 0.2222। फोर पुट कर दोगे तो फोर, वन पुट कर दोगे तो वन। आप कोई भी रियल, कोई भी रियल नंबर पुट करने पे आंसर किस फॉर्म में आ रहा है? रियल नंबर। तो जो पुट कर रहे हो वही आंसर आ रहा है, बात समझना। तो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा बेटा? आप कोई भी रियल नंबर पुट कर दोगे, सपोज 550, अरे भैया 550 ही आएगा। आपने कहा कि सर माइनस 2.233354, तो बेटा इसका आंसर यही आएगा 2.3354। जो भी पुट करोगे वही आंसर सामने आ जाएगा। इसकी रेंज क्या होने वाली है? ऑल रियल नंबर्स। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, वाला पार्ट बहुत आसान। इसमें आपने जो वैल्यू पुट करी वही आंसर निकल के सामने आ गया, इट इज कॉल्ड रेंज। रेंज क्या हो गया इसका? रियल नंबर। तो फटाफट से कॉपी करूं।